नीडल और अप्रोक्स 50 सेंटीमीटर थ्रेड और शेड बीड्स और वाइट पर्ल। तो सबसे पहले तो मैं 5 शेड बीड्स 11 नीडल में डालूँगी और उसको नॉट लगा दूँगी। एंड में जाके एक्स्ट्रा को कट करने के बाद अब मैं वाइट पर्ल और 1 शेड बीड्स गोल्डन कलर लेके अब मैं नीडल को जो है वो इसको छोड़ करके और सिर्फ वाइट में से निकाल के और नेक्स्ट गोल्डन कलर्स के बीट से ले लूँगी इस तरह से। अब फिर से वही रिपीट, 1 वाइट पर्ल और शेड बीट्स गोल्डन कलर का लेके और सेम रिपीट करते जाना है। अब शेड बीट्स को छोड़ करके और सिर्फ वाइट पर्ल में से नीडल को नेक्स्ट में पास करना है। यही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करते जाना है 5 टाइम। गोल्डन कलर के बीड्स को छोड़ करके और सिर्फ वाइट में से लेके और नेक्स्ट में पास करना है। ये इस तरह से बनता चला जाएगा। ये लास्ट टाइम है। अब मैं नीडल को जो है वो वाइट में से लेके ऊपर की तरफ ले आऊंगी। ये देखो इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब मैं थ्रेड को ऊपर की तरफ ले आऊँगी यहाँ से। ये हमारी हुक डालने के लिए, हैंगिंग डालने के लिए। और अब मैं गोल्डन कलर का जो बीड्स है उसमें से लूँगी फोर गोल्डन कलर के बीड्स लेके एक लुप्पी जिसको बोलते हैं लुप्पी बना दूँगी। 4 ये हो गए और 5th मेरा ये है। तो इसमें से ये जो हमारी इयर रिंग्स हैंगिंग होती है उसको टक करने के लिए ये इसमें से एक बार फिर से पास करके इसको थोड़ा सा टाइट कर दूँगी। और थ्रेड को जो है
वो इनमें से पास करके और नॉट लगा लूँगी। जो मेरे गोल्डन कलर के बीट्स हैं, मैं इनमें से पास करके थ्रेड को और एक नॉट लगा लूँगी और एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर दूँगी। इसके बाद मैं इयररिंग्स हैंगिंग लेके, ये इयररिंग्स हैंगिंग होती हैं, इसको इसमें टक कर दूँगी। और इस तरह से ये मेरी इयररिंग्स हैंगिंग बनके तैयार है। सेम ऐसे ही मैं दूसरी भी बना लूँगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय।